पंजाब का पारंपरिक खेल गतका को राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने के बाद इस खेल में सर्वधर्म समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आने वाले समय में गतका के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ की बेहतरीन टीम तैयार करने के मकसद से इस्पात नगरी भिलाई में 1 माह के लिए समर कैंप लगाया गया है। इस कैंप के माध्यम से गतका खेल की बारीकियों को अवगत कराने बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। गतका समर कैंप 2024 का शुभारंभ बाबा अजीत सिंह गतका एसोसिएशन एवं छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के 70 से अधिक बच्चे भाग लेने पहुंचे। आने वाले दिनों में और बच्चे छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे। इस समर कैंप की ट्रेनिंग के लिए पंजाब के राष्ट्रीय गतका संगठन के तकनीकी सलाहकार एवं राष्ट्रीय कोच योगराज सिंह को विशेष तौर पर बुलवाया गया है। वे बच्चों को गतका खेल की बारीकियां सिखाएंगे। समर कैंप के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल ने आए हुए खिलाड़ी बच्चों को शुभकामनाएं दी। वहीं महासचिव गुरनाम सिंह कूका ने कहा कि गतका खेल के प्रति बच्चों की जागरूकता बहुत अच्छी और बढ़ी है। इस खेल से बच्चे शारीरिक रूप से मजबूत होंगे एवं आगे चलकर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ गतका एसोसिएशन के सचिव ने भी पूरे 1 माह तक चलने वाले गतका समर कैंप की जानकारी देते हुए इस खेल को बच्चों के लिए बेहतर बताया। साथ ही इस समर कैंप में गतका खेल की बारीकियों को सिखाने आए राष्ट्रीय कोच योगराज सिंह ने इस खेल की जानकारी देते हुए इस खेल में आगे अच्छे भविष्य होने की बातें कही। एक हमारे भलाई के लिए बहुत बढ़िया एक चांस है बच्चों के लिए, जो बच्चे गतका के लिए और इंडिया गवर्नमेंट में जो इनको मौका मिला है एक खेलो खेलो इंडिया में और कॉलेज स्कूल में सभी जगह मिल गया, तो एक बहुत बढ़िया एक उपराला है जो सरदार जसवंत सिंह जी करवा रहे हैं। और अच्छी बात है जो 1 महीने का बच्चे स्कूल से खाली है और इधर इसमें खेल में लगे रहेंगे और आगे के लिए इनका भविष्य अच्छा है, क्योंकि गतका जो जो सरकारी मतलब उसमें खेल में चला गया तो नौकरी का और रोजगार का चांस बनता है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी तक जो भी हमारी नेशनल गतका एशन ऑफ इंडिया तो नेशनल चैंपियनशिप करवाती है, उसमें 18 से 20 स्टेट्स आती हैं, उसमें हर एक धर्म का पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो मेन मेडल वगैरह जीतते हैं वो पंजाब के लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो गतका है जो पंजाब का मेन है, वो साहब एक हमारे साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने शस्त्र विद्या की उन्नति की, तो उसके बाद धीरे धीरे नवरत्न शुरू हुआ, उसके बाद जो हमारे नेशनल गतका एशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सरदार अजीत सिंह गरेवाल, उनने उसी गेम में एक गतका स्टिक फाइट निकाली, जैसे आपने फैंस देखी होगी, स्टिक फाइट में पॉइंट के लिए इसको नियुक्त किया। उसके बाद धीरे धीरे इस गेम को स्कूल्स में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू करवाया। उसके बाद जैसे आप बोल रहे हो कि अलग धर्म, हर एक धर्म का जो आदमी है स्पोर्ट्स फाइट खेल सकता है। जो हमारी शस्त्र विद्या उसको हम सिर्फ उसमें खेलते हैं, साबसूर सिख होते हैं, जो हमारे साहब मतलब साहब श्री हरगोबिंद साहब जी ने बख्शी शस्त्र विद्या है। मैं आज ही यहाँ पे आया हूँ, अभी दो फाइट आपके डेमो के लिए करवाई थी मैंने, लेकिन मैं सिर्फ जो सोना है, सोने को गर्द पड़ी हुई है, बस मैं सोने के ऊपर गर्द को साफ करने के लिए आया हूँ। सही बच्चे बहुत अच्छा खेल सकते हैं, हाँ आने वाले समय में ये बच्चे एक दिन छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो भी सरदार जसवंत सिंह खालसा जी ने जो भी 3 साल से कड़ी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग ये बच्चे जुड़े हुए हैं, तो एक ना एक दिन ये बच्चे ऊंचा मुकाम जरूर हासिल करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि भिलाई हमारी जो नगरी है, ये शिक्षा की और खेलों की राजधानी रही है, और भिलाई में लगभग हर तरह के खेल खेले जाते हैं। और गतका चूंकि अभी एक नया खेल लॉन्च हुआ है, पहले तो सिर्फ ये पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन जब से हमारी केंद्र सरकार ने इसको स्कूल खेल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, खेलो इंडिया में और राष्ट्रीय में शामिल किया है, तब से इस नए खेलों के कारण लोगों का रुझान इस तरफ बहुत बड़ा है। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारी छत्तीसगढ़ की टीम जो पिछले 3 सालों से गतके के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो इतने कम समय में हमारी पिछली बार जो SGFI का टूर्नामेंट हुआ था भिलाई में नेशनल, जो हम लोगों ने बड़ी दौड़ भाग करके या प्रशासन की मदद से भिलाई में कराने की प्रयास किया, सफल प्रयास किया है, उस आयोजन में हम लोगों ने 28 सिल्वर मेडल और 1 गोल्ड मेडल दिया है। इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है, और हमारी कोशिश ये है कि आने वाले जो खेलो इंडिया है, नेशनल गेम है और जो SGFI टूर्नामेंट होगा, उसमें छत्तीसगढ़ की जो टीमें हमारी है वो स्वर्ण पदक तक, गोल्ड मेडल तक पहुँच सके, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। और इसके लिए पंजाब से भाई योगराज सिंह जी, जो हमारे नेशनल गतका, इंडिया नेशनल गतका टीम के जो कोच हैं,
विशेष रूप से पहुंचे हुए हैं। एक महीने तक ये कैंप लगेगा जिसमें 14 साल से लेकर 25 साल तक बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 70 बच्चों की एंट्री इसमें आ चुकी है और बच्चे अभी बेमित्रा से, बिलासपुर से, रायपुर से, धमतरी से आने की संभावना है और हमारा प्रयास है कि एक महीने तक कैंप में हम लोग इसमें राष्ट्रीय स्तर के खेल खिलाड़ी तैयार कर सकें और उसमें हमारी कुछ सहयोगी जो संस्थाएँ हैं, जो हमारा जो स्थानीय प्रशासन है, बहुत उनसे सहयोग मिल रहा है हमको। लेकिन अभी भी कुछ हमारी मूलभूत आवश्यकताएं की कमी इस ग्राउंड में है, जैसे हमारे गर्ल्स जो हैं या उनके लिए पानी की व्यवस्था, रोशनी पर्याप्त मात्रा में भी नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक उनका की संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि रिक्का खेल चुकी है एक बहुत आने वाले समय में बहुत अच्छा देश में एक अपना एक नया रूप, नई पहचान कायम कर रहा है। इसके लिए हमको सहयोग किया जाए और इसके पहले भी हमको ये ग्राउंड मिला है गत्ते के लिए, उसके लिए हम लोगों ने अभी भी इसमें सुरक्षा की भी दृष्टि से कुछ कुछ आवश्यकताएँ बहुत जरूरी हैं और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये आवश्यकता पूरी हो जाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना जरूर चाहूँगा कि गतका खेल जो एक शरीर खिलाड़ी को, बच्चों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से स्वस्थ रखता ही है, लेकिन ये शारीरिक रूप से बहुत बड़ा एक सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। तो मैं विशेष करके एक महिलाओं को और युवतियों को, खिलाड़ियों को, बच्चे जो हैं, उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि वो इस खेल को देखें, इससे जुड़े और ताकि उनका एक आने वाले समय में अपने आप को सुरक्षित भी रखें और जॉब के भी उनके लिए अवसर बन सके। देखिए, जहाँ तक फायदे की बात है तो इसमें तो फायदा ही फायदा है और सबसे बड़ी बात जो मैं गतका बाबा जी सिंह गतका एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ, छत्तीसगढ़ पंचायत के साथ जो ये समर कैंप इन्होंने शुरुआत की है और इसमें जो इनकी तरफ से भी जानकारी मिली है, 70 बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ से और बच्चे भी आने वाले हैं और पंजाब से यहाँ पर जो गतका ट्रेनिंग के लिए जो है हमारे युवराज जी आए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है यह देखने को मिल रही है कि ये काफ़ी 2-3 साल से, जैसे पाजी जसवंत सिंह जो हमारे अजीत सिंह गतका जो एसोसिएशन वाले हैं, तो ये लगातार ये प्रोग्राम करवा रहे हैं और ये बच्चे जो है इस खेल के साथ जुड़ चुके हैं। और मैंने पहले भी कहा कि ये जिस तरह से माहौल बन रहा है, आजकल माहौल है, उस माहौल से परे होकर ये बच्चे एक खेल भावना से खेल रहे हैं और आने वाले समय में जो है इनका जो है नौकरी पेशे का जो है एक बन जाता है, आगे जाके इनको वो चीज़ का रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो है मानसिक रूप से और शरीर रूप से जो है आगे आदमी बढ़ता है। और सबसे बड़ी और जो बात मैं कहना जा रहा हूँ, रोजगार के अवसर जो है पैदा होते हैं। और मैं इस चीज़ को लेकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये जो समर कैंप चलाया है और इसका सहयोग छत्तीसगढ़ सिख पंचायत जितना भी जहाँ तक होगा वो करेगा, बाकी ये आप साथ है यहाँ पर तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, गतका पंजाब में फेमस था मगर उसको पहले यह युद्ध जो, जैसे कि पाजी ने पहले बताया कि वो मीरी पीरी का जो था वो उस हिसाब से हम लोग लेते थे, पर ये जो सोटी गतका है ये जो है एक टेक्निकल गेम के रूप में ये गतका बन गया है और पंजाब में अभी भी अच्छे से इसको खेला जा रहा है, मगर जब छत्तीसगढ़ लेवल पे आ गया है तो यहाँ के बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मेडल लेके आए हैं और काफ़ी इंटरेस्टेड है बच्चे और ये बहुत अच्छी चीज़ है, उस चीज़ को लेके बहुत आगे बढ़ेंगे बच्चे। पूरे एक माह तक चलने वाले गतका समर कैंप में बच्चे तप तप कर कुंदन बनने को तैयार हैं और राष्ट्रीय कोच योगराज सिंह भी इन्हें तराशने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ताकि इस समय समर कैंप से निकलने के बाद बच्चे सीधे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सोने और चांदी के मेडल अपने और अपने प्रदेश और देश के नाम कर सकें। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।